वो आदि अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे एक सपना बार बार आता था। सपना? कैसा सपना? तो तुम्हें लगा कि वो लड़का जो बाइक पे था वो आदि था? यू नो, सारी चीजें ना एक जिग्सॉ पजल की तरह फिट होती गई और ऐसा लगा जैसे वो लड़का आदि है और बस फिर मैं आदि की तरफ अट्रैक्ट हो। क्या चल रहा है यहाँ? आप कुछ नहीं सर, वो थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए यहाँ बैठे। सुनसान जगह में इस तरह बैठना अलाउड नहीं है, मालूम है कि नहीं? चलो चलो भी निकलो यहाँ से। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा वो जो तुम्हारे सपनों में बाइक वाला आता था ना, वो ये पुलिस वाला था। Very funny. अब तुम ही देखो, रात का वक्त है, तुम यहाँ बेंच पे बैठी हो, ऐसे ही बेवजह फूल तोड़ रही हो और सडनली कोई बाइक पे आता है, ऐसे ही कुछ था ना तुम्हारा सपना? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, रुको तुम। अरे सो जाओ सीमा, माइन कोई छोटा बच्चा नहीं है, आ जाएगा वो। अरे जानते हैं हम, अगर कोई और दिन होता ना तो हम चैन की नींद सो रहे होते, लेकिन आज हमारा बेटा हमारी बहू के साथ वो क्या कहते हैं उसे, वो डेट पर गया है, तो वो क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं, हम सब जानना चाहते हैं। उन दोनों की बात बनी या नहीं बनी सब। ओहो, अरे भगवान ने सब कुछ सोच रखा है, जब समय आएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे पहले नहीं। सीमा हमारी बात मानो, अंदर चल के सो जाओ। ऐसे हमें नींद नहीं आएगी, हम क्या करें? एक काम करते, फोन कर लेते हैं हम। क्या, अरे? क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों कबाब में हड्डी बनना चाहती हो तुम? हमारी बात मानो, अंदर चल के सो जाओ। चलो भी, फोन करने जा रही हूं। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? हेलो, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। तुम्हारी सांसें आज रुकी? मैं तो जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मेरी सांसें रुक जाती है मैडम। थैंक यू, लेकिन अब जाओ यहाँ से, पापा आ जाएंगे। कोको वन मिनट। मौसम इतना सुहाना है और तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो? आदि जाओ बाहर जल्दी, पापा आ जाएंगे। बाय। Thank you.
फिर से आदि पता है बचपन में मेरे पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज थे थैंक यू अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से इससे पहले कि पापा आ जाए प्लीज टेडी बियर तो मुझसे ज्यादा ही लग गया आई थिंक शट अप अब जाओ यहाँ से गो अच्छा वन मिनट मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ क्योंकि जब भी तुम उसको बाइट करोगी ना तुम्हें मेरी याद आएगी नहीं ओनली वन बाइट प्लीज गुंजन ये सब क्या हो रहा है कौन हो तुम अंकल मेरा नाम आदि और मैं गुंजन का दोस्त है ये कोई टाइम है दोस्ती निभाने का पापा प्लीज तुम चुप रहो लिसन मिस्टर अभी और इसी वक्त प्लीज अंकल मैं आपको समझाता हूँ वन सेकंड मुझे जो समझना है मैं अपनी बेटी से समझ लूंगा नाउ प्लीज लीव अंकल एटलीस्ट एक चांस तो दीजिए मुझे प्लीज अंकल हाँ पापा एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए मुझे नहीं सुननी है कैन यू प्लीज लीव तुम ऐसे नहीं मानोगे ना प्लीज नहीं सुनना है क्या राव आप इतने नैरो माइंडेड कब से हो गए पापा आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या वो सिर्फ मेरा दोस्त है तुम मुझे कुछ भी समझो लेकिन अच्छे घर के बच्चे इस तरह से बिहेव नहीं करते इतनी रात किसी के घर घुसा है प्लीज डोंट माइंड पापा लेकिन कौन मेरे फ्रेंड्स होंगे कौन नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी आप नहीं गुंजन मेरी बात सुनो गुंजन गुंजन तुम एक एडल्ट हो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा तुम्हारी लाइफ में कोई से नहीं है प्लीज स्टॉप इट पापा नो यू स्टॉप इट मिलना जुलना सब बंद पापा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना भड़क रहे हैं गुंजन तुम नहीं समझोगी और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता क्या नहीं समझूंगी पापा क्या कि तुम शादीशुदा हो क्या मेरा मतलब है कि तुम्हारी शादी होने वाली है मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है किससे कोई है होनार और लायक लड़का बस इसलिए कल से कॉलेज या कहीं और भी जाना बंद एंड दैट्स फाइनल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा कॉलेज तो मैं जाऊंगी ओ रियली मैं देखता हूँ कि तुम बाहर कैसे जाती हो पापा 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 ये आप क्या कर रहे हैं पापा पापा खोलिए दरवाजा पापा 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 हेलो आदि मुझे तुमसे अभी मिलना है अर्जेंटली ओके हे गुंजन व्हाट हैपेंड व्हाई यू कॉल मी सो सडनली आदि एक्चुअली मैं कल रात के लिए सॉरी कहना चाहती थी पापा की तरफ से
पता नहीं पापा को क्या हो गया, वो ऐसे है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी। ओ कम ऑन गुंजन, लव स्टोरी में अगर विलन ही ना हो ना तो वो लव स्टोरी कैसी। और यू नो ये जो फादर लोग होते हैं ना, ये हर प्रेम कहानी में विलन ही होते हैं। कभी कहते हैं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इससे बात मत करो, इवन अपने ही घर में लॉक करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप प्यार ही ना करो। आदि मैं सीरियस हूँ और तुम हो कि रहने दो। लिसन, ये फिल्म नहीं है, लाइफ है। अब क्या करें, अंकल के खिलाफ तो नहीं जा सकते। ओ प्लीज आदि, मैं उनमें से नहीं हूँ जो डर के बैठ जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं सोचोगी क्या कि तुम अपने पापा के खिलाफ चले जाओगे? गुंजन नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता। और अगर अंकल चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से ना मिलें, तो ऐसा ही होगा। नहीं नहीं आदि, पता नहीं क्यों पापा को ये नहीं दिख रहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझ पर भी भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन मैं भी एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। वो क्या, मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें बहुत गट्स है। क्या करोगी तुम, अपने पापा के खिलाफ जाओगी या अपना घर छोड़ दोगी? हाँ जरूरत पड़ी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हेलो। हाँ भैया बोलिए। हेलो रचना, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें काम के वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ। नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं, क्या हुआ? आज गुंजन पूरा दिन कॉलेज में नहीं दिखी, ना ही सुबह से उससे फोन पे बात हुई और ना ही वो मेरा फोन उठा रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। भैया वो किसी घर के काम में बिजी होगी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, हम उसका नंबर ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है रचना, थैंक यू वेरी मच, बाय। पापा एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। मुझे नहीं सुननी है, कैन यू प्लीज लीव, मुझे कुछ नहीं सुनना है, गेट आउट। एक प्लीज पापा। मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, कोई है होनहार और लायक लड़का बस, इसने कल से कॉलेज या कहीं और भी जाना बंद, एंड दैट्स फाइनल। ओ मिस कॉल्स मैं की 18 पापा, मैं इनसे बात करूं या नहीं, उसे बताऊं ये सब? पापा से तो बात करना ही बेकार। हाँ रचना बोलो। क्या हुआ गुंजन? ये पूछो क्या नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ ना। पता नहीं पापा को क्या हो गया है, मेरी हर एक मूवमेंट पर निगरानी रख रहे हैं, आदि से भी मिलने को मना कर दिया। ऐसा क्या कर लूंगी मैं कि बंदूक लेकर? गुंजन बंदूक की बात नहीं है, आखिर वो तुम्हारे पापा है, उन्हें तुम्हारी चिंता तो होगी ही ना। वो ठीक है रचना, लेकिन मैं 5 साल की बच्ची तो नहीं हूँ ना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिग गर्ल ना हूँ, मुझे बांध के तो नहीं रख सकते ना वो। गुंजन हम सबको पता है कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, नहीं करोगी ना? ऑफ कोर्स नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अरे कहा ना नहीं करूंगी रचना। कुछ होगा तो हमेशा हमें बताओगी, हमसे शेयर करोगी और तैश में आकर ऐसा कुछ नहीं करोगी, ठीक है?
ठीक है, ओके, बाय बाय। मैं को कॉल करूं? फोन की बैटरी भी डेड हो गई। मयंक, देखिए अंकल, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, आप प्लीज मुझे भरोसा रखिए, प्लीज। बात कुछ और है मयंक, मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। क्या? मेरी मदद? गुंजन ठीक है ना? पता नहीं बेटा, गुंजन घर पे नहीं है। चिट्ठी लेकर चली गई कि वो घर छोड़कर जा रही है। पापा, प्यार में इंसान बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देता है, लेकिन कैद नहीं। आप मुझे ऐसे कमरे में बंद नहीं कर सकते, मेरी आजादी नहीं छीन सकते। पापा, पापा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे प्यार करने से आप नहीं रोक सकते। मुझे मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अंकल, आपने आपने गुंजन को कमरे में बंद किया? मेरे पास कोई चारा नहीं था मयंक। मैंने उस लड़के के बारे में थोड़ा सा पता किया और जो पता चला वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता लगा कि वो घर से चली गई? पता नहीं मैं, बस चिट्ठी लिखकर चली गई, गायब हो गई। माने कि हम दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हुई थी जिसमें मैंने उसे कमरे में बंद करने की धमकी दी थी। मैं अपनी बीवी को ढूंढ लाऊंगा अंकल, ये मेरा आपसे वादा है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। काश आप मुझे थोड़ा पहले बताते, लेकिन मैं देखता हूं। क्या डायलॉग्स मारे, क्या दिमाग घुमाए। आई एम डेड श्योर कि गुंजन अब अपना घर छोड़ के भाग गई। पर घर छोड़ के जाएगी कहाँ? मेरे पास ही आएगी, मेरी सोने की चिड़िया, क्योंकि मैं ही तो इसका असली हीरो। मिस्टर आकाश, अब आप देखेंगे मेरा असली चेहरा। आदि द ग्रेट। कहाँ चली गई ये लड़की, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दीदी, मयंक ने कुछ कहा? आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो कह रहा था कि गुंजन घर पर नहीं है, और आकाश जी को भी पता नहीं वो कहाँ चली गई। से भी ना, आकाश जी के इस रवैये से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अरे, इतनी सख्ती से भी उन्हें काम नहीं लेना चाहिए। मयंक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? भगवान करे सब ठीक हो, हे भगवान। हे भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा करना, गुंजन को कहीं से भी ढूंढ कर ला दीजिए। गुंजन, नमस्ते मौसी जी। नमस्ते, आओ ना अंदर आओ, आओ।
कैसे हो बेटा? प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हूँ?